साथियों, सिविल सेवा के ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर के हमारी सरकार रिफॉर्म से सपोर्ट कर रही है। मिशन कर्मयोगी और आरंभ प्रोग्राम इसका एक हिस्सा है। मुझे बताया गया है कि आपकी एकेडमी में भी ट्रेनिंग का स्वरूप अब मिशन कर्मयोगी पर आधारित कर दिया गया है। मुझे विश्वास है इसका भी बहुत लाभ आप सभी को मिलेगा। एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, आप ये प्रार्थना जरूर करिएगा कि भविष्य में आपको कोई आसान काम न मिले। मैं देख रहा हूं आपके चेहरे जरा उतर गए मैंने ये कहा तो। आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि आपको कोई आसान काम न मिले। आपको लगेगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, कब ऐसी सलाह दे रहा है। आप हमेशा खोज खाज करके चैलेंजिंग जॉब का इंतजार कीजिए। आज कोशिश कीजिए कि आपको चैलेंजिंग जॉब मिले। चैलेंजिंग जॉब का आनंद ही कुछ और होता है। आप जितना कंफर्ट जोन में जाने के सोचेंगे उतना ही अपनी प्रगति और देश की प्रगति को रोकेंगे। आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा। कुछ साल के बाद आपका जीवन ही आपके लिए बोझ बन जाएगा। अभी आयु के उस पड़ाव पर है आप जब आयु आपके साथ है। अभी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सर्वाधिक इस उम्र में होती है। आप जितना पिछले 20 साल में सीखा है उससे ज्यादा आप अगर चैलेंजिंग जॉब से जुड़ेंगे तो अगले 2-4 साल में सीखेंगे। और ये जो सबक आपको मिलेंगे वो अगले 20-25 साल तक आपके काम आएंगे।